हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल वुमन T20 की, जो कि मैच होने वाला है यहाँ से आर्यन क्लब वुमन वर्सेस राजस्थान क्लब वुमन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर्स पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रांड लीग में लेके जा सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेंगे, बैट्समैन को हेल्प करेगा या फिर बॉलर्स को हेल्प करेगा, ये सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। साथ में हमारी लास्ट में फैंटेसी टीम देख लेंगे कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को यहां से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस मैच की बात करें तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे जहां पर आपकी अच्छी विनिंग हो सके। तो इस मैच की बात करें तो ये मैच सुबह में 9 बजे बंगाल क्रिकेट एकेडमी कल्याणी में शुरू होगा। बाकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो न्यूट्रल और बैलेंस पिच रहने वाला है, बाकी स्लो पिच रहेगा। स्कोर आपको ज़्यादा बनता हुआ नहीं दिखेगा, 90 से 110 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ से वुमन्स की मैच है, वुमन्स की मैच वो भी डोमेस्टिक लेवल की मैचेस में ज़्यादा स्कोर आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा। इवन इनकेस अगर मैचेस है कुछ भी हो सकता है, तो यहां से इनकेस कभी भी कुछ कोई प्लेयर अच्छा खेल जाता है तभी एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, बाकी आपको छोटा स्कोर ही देखने को मिलेगा, 90 से 110 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। बाकी चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक 12 मैचेस खेले गए जहाँ से 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है और 6 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है। तो यहाँ से वो एडवांटेज तो सेम रहेगा, यहाँ से जो भी टीम अच्छा करेगी वो विनिंग करने वाली है। बाकी फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक वर्क ना करें तो आप @FDC27 सर्च कर सकते हो, आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी मिल जाएगी। बाकी टीम आर्यन क्लब वुमन की बात करें तो 4 मैच खेले जहाँ पर सिर्फ एक ही मैच जीती है, 3 मैच वो हार के आ रही है। VR वनिथा जो कि ओपनिंग करवा रही है, साथ में पिछले कुछ मैचेस से ओवर्स भी करवा रही है। पहली मैच के अंदर 1 ओवर्स की थी और बैटिंग से 4 रन किए, इसके बाद 20 रन किए, 2 ओवर्स की गेंदबाजी की जहां पर विकेट नहीं मिला, इसके बाद 3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाले, लेकिन लास्ट मैच में एक बार फिर से 2 ही ओवर्स की गेंदबाजी की थी जहां पर विकेट नहीं मिला था। ओपनिंग कर रही है लेकिन इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक तो रहा नहीं है, और बाकी एज अ प्लेयर तो हमें लेके जाएंगे क्योंकि यार ओपनिंग भी करवाएगी ओवर्स भी करवाएगी, तो यहाँ से कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बात करें यहाँ से षष्ठी मंडल जो कि पहली मैचेस के अंदर 2 रन किए थे बैटिंग से, 3 ओवर्स की गेंदबाजी जहां पर विकेट नहीं मिला था, इसके बाद 5 रन किए, 6 रन किए और लास्ट मैच में एक अच्छा स्कोर किया था 27 रन का, क्योंकि जो लास्ट मैच के अंदर ऊपर आई थी बैटिंग करने के लिए, इससे पहले थोड़े से नीचे बैटिंग करवा दी थी। यहां से बात करें ऋषिता नीलाद्री बासु ओपनिंग आई थिंक विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगी, पहली मैच के अंदर 7 रन किए, इसके बाद 16 रन किए, इसके बाद 30 रन किए और लास्ट मैच की बात करें तो 4 रन किए थे। तो वैसे रेगुलर की कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है, और बाकी हम लोग लास्ट हमारी जब टीम बनाएंगे तब हम देख लेंगे कि उसको लेके जाना है या फिर ड्रॉप करना है, वो सारी डिटेल्स लास्ट में वीडियो में हम देख लेंगे जब टीम बनाएंगे तब। यहाँ से बात करूँ पवित्र राणा की तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से अच्छा कर रही है, तो यहाँ से एक अच्छी चॉइस हो सकती है। हालांकि विकेट्स तो एक भी नहीं मिला है लेकिन बैटिंग से 44 और 28 रन का एक अच्छा स्कोर किया, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है। एक तो ऊपर से बैटिंग से ऊपर आएगी प्लस ओवर्स तो ठीक ठाक करवा लेती है, एक या दो ओवर्स ही करवाएगी, इससे ज़्यादा ओवर्स नहीं करवाएगी। वैसे ओवरऑल उनके रिकॉर्ड देखो तो भी 18 मैचेस के अंदर सिर्फ 2 विकेट्स ही है, तो बैटिंग से बॉलिंग से इतना कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, लेकिन बॉलिंग से बैटिंग से आपको अच्छा करती हुई नजर आ सकती है। बात करें यहाँ से जे खातून की तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली हमारे लिए, आपको बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों ही से अच्छा करते हुए नजर आ सकती है। हर एक मैच में लगभग 20 आसपास रन की एवरेज से रन किया है, 22 किया, 21 किया, 19 किया, फिर 13 किया, तो इसके आजूबाजू रन करते हुए दिखेगी क्योंकि थोड़े से नीचे बैटिंग करवा दी, 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगी, बाकी ओवर्स पूरी करवाएगी और हर एक मैच में लगभग आपको विकेट लेते हुए नजर आएगी। तो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है जे खातून, इवन कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए सेफ चॉइस भी है और एक अच्छी चॉइस भी है यहाँ से जे खातून। बात करें यहाँ से एस अधिकारी की तो पहले 2 मैचेस के अंदर उन्होंने ओपनिंग करवाई, तो पहली मैच के अंदर ओपनिंग कराई थी जहाँ पर उनको विकेट्स रन कोई भी नहीं किया था, विकेट्स तो पहली मैच के अंदर नहीं मिली लेकिन पिछले दोनों ही मैच से 2 और 3 ओवर्स करवा रहे जहाँ पर दोनों ही मैच में उनको एक एक विकेट मिली है। बात करें यहाँ से प्रगति प्रसाद की तो पहली मैच के अंदर 12 रन की, 1 ओवर की गेंदबाजी की जहाँ पर विकेट नहीं मिला और दूसरी मैच के अंदर भी विकेट नहीं मिला, फिर उन्होंने ओवर्स ही नहीं करवाए, तो ये ज़्यादा प्रीफर नहीं करता मैं स्मॉल लीग में, इनको ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा। ज़्यादा एकदम रिस्की खेल रहे हो, 3-4 टीम बना रहे हो, वहाँ से एक आधी टीम में आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट रहने वाली नहीं है। वैसे राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेते प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करवा लेती है, तो लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं की थी और बाकी बैटिंग से तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करवा रही, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। बात करें यहाँ से मुनमुन खातून की तो पहली दोनों ही मैच में 2-2 रन किए, लास्ट मैच के अंदर 1 रन किया था, तो ये भी ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है, स्मॉल लीग के अंदर हम लोग इनको अवॉइड करके जाएंगे।
बात करें यहाँ से मेगा घोष की, तो हर एक मैच में लगभग पूरी ओवर्स करवाएगी और विकेट भी निकाल रही है, तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। लास्ट मैच के अंदर हालांकि उनको विकेट्स नहीं मिला था, लेकिन हर एक मैच में लगभग आपको एक आधी विकेट लेती हुई नजर आ सकती है। राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेती है प्लस ऑफ स्पिन गेंदबाजी करवा लेती है। 12 मैचेस खेले जहाँ पर 32 रन किए हुए, 14 विकेट भी निकाले हुए, तो आपको हर एक मैच में लगभग विकेट लेते हुए नजर आ सकती है, एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बात करें यहाँ से डी समंता की, तो पहली दोनों ही मैच में उनको विकेट नहीं मिली, फिर एक विकेट मिले लास्ट मैच के अंदर, एक बार फिर से विकेट नहीं मिले। बाकी ओवरऑल भी रिकॉर्ड इतने कुछ खास नहीं है, तो आप अगर अपने हिसाब से लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी यहां से कोयल सूत्रधार इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवा रही है। विकेट तो हालांकि उनको पिछली तीनों ही मैच से नहीं मिला है, पहली मैच के अंदर 2 विकेट मिला था, लेकिन ओवर्स पूरी करवा रही है प्लस डेथ ओवर्स में भी ओवर्स करवा रही है, तो यहां से इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है कोयल सूत्रधार, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है बॉलिंग सेक्शन में इसके लिए। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करो तो डी सामंता और जे खातून आपको स्टार्टिंग ओवर्स में दिखेंगी, डेथ ओवर्स में आपको के सूत्रधार और यहां से मेगा घोष आपको डेथ ओवर्स में ओवर्स करती हुई दिख सकती है। बेंच की बात करो तो सईदा खातून है, यहां से रितिका पल, इनको अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला। सी घोषाल एक मैच खेल चुकी है जहां पर एक ओवर की गेंदबाजी की थी, विकेट नहीं मिला था और बैटिंग से 2 रन किए थे। बाकी यहां से कोमल जयसवाल, स्वाता सामंता और यहां से मेघना बिस्वास, तो इनको अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है। जब भी वो खेलेंगे तब इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच किया हुआ है वहीं से ही। बात करूं यहां से टीम आरएसी यानी कि राजस्थान क्लब वुमन की बात करें, तो 4 मैच खेली है, वो भी 1 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, तो दोनों ही टीम जो है वो 1-1 मैच जीती है, 3-3 मैच वो हारी हुई है, तो अपनी दूसरी जीत की तलाश में कल दोनों ही टीम उतरेगी, तो वहां से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। संसिता एस विश्वास आपको विकेट की मिस सेक्शन में दिखेंगी प्लस ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, तो यहाँ से सीधी पिक हो सकती है हमारे संसिता विश्वास को हम लेके जाएंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग में ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग अच्छा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ से संसिता एस विश्वास, इनको हम लेके जाएंगे, क्योंकि आपको कैचिंग से स्टंपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट जनरेट करके दे सकती है। बात करें यहाँ से डी गुज्जर की, तो आपको हर एक मैच के अंदर ओवर्स करते हुए नजर आएंगी प्लस विकेट लेते हुए भी नजर आ सकती है। हालांकि लास्ट मैच के अंदर उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन हर एक मैच में लगभग आपको विकेट लेते हुए नजर आ सकती है, प्लस बैटिंग से टॉप ऑर्डर में आएगी यानी कि ओपनिंग करवाएगी, लेकिन पिछली दोनों ही मैच से कोई खास स्कोर नहीं किया है। पहले लास्ट मैच की बात करें तो 1 रन किया था, इससे पहले भी वो 0 भी आउट हो गई थी, तो ज़्यादा रिस्की रहेगा। कैप्टनशिप ऐसे तो दे सकते हो, काफ़ी अच्छी प्लेयर्स है, लेकिन आई थिंक ये दोनों ही मैच से अंदर उन्होंने स्कोर नहीं किया, प्लस के लास्ट मैच में तो उनको विकेट्स भी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो यहाँ से धरा गुज्जर अच्छा कुछ करती हुई नजर आ सकती है। बात करूँ यहाँ से रूपा असित दत्ता की, तो 39 रन किए थे पहली मैच में, वही उनका मेन प्रदर्शन था, इसके बाद किसी भी मैच में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कुछ रिस्क करना चाहो तभी उनको मौका दे सकते हो। बाकी इतने कुछ खास मैं प्रीफर नहीं करता, स्मॉल लीग में मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता इनको। बाकी बात करें यहाँ से प्रीति मंडल की, तो वो भी ठीक ठाक पिक है, ओके ओके पिक है, अपने हिसाब से उनको लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी। या से बात करो दीपा दास की, तो पहली मैच के अंदर 10 रन किए थे, 16 रन किए, 30 रन किए, तो ठीक ठाक पिक रहेगी, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो हम लोग बैटिंग सेक्शन आई थिंक बैटिंग सेक्शन में दिखेगी, तो हम लोग उनको लेके जाएंगे ऐसे दीपा दास, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स से तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा ही है, 16 रन किए, 30 रन किए, तो अपने दिन के हिसाब से अच्छा स्कोर कर सकती है। यहाँ से बात करूँ प्रियंका मधब सरकार की, तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवा रही है, तो यहाँ से विकेट लेने का चांसेस इनके पास ज़्यादा रहता है, और वैसे भी पिछली तीनों ही मैच से 1-1 विकेट मिला है, तो आपको हर एक मैच में लगभग विकेट लेती हुई नजर आ सकती है, तो यहाँ से एक अच्छी पिक हो सकती है प्रियंका मधब सरकार। बात करें यहाँ से साइका इशाक की, तो इंटरनेशनल प्लेयर अपनी नेशनल इंडिया के लिए भी खेल चुकी है, तो पहली मैच के अंदर उनको विकेट मिला था, लेकिन पिछली तीनों ही मैच से उनको विकेट नहीं मिला है। बाकी इनके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कभी भी आपको एक आधी विकेट लेती हुई नजर आ सकती है। बाकी आपको बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से अच्छा कर सकती है, लेकिन बैटिंग से तो काफ़ी नीचे आती है, तो हम लोग खाली बॉलिंग से इनके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि एक आधी विकेट निकाल के हमको दे दे। लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवाएगी प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करवाएंगी, तो एज अ प्लेयर तो हम लेके जाएंगे उनको, अच्छी पिक होने वाली है। यहाँ से बात करूँ मौली मणिक मंडल की, तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है और इवन अच्छी पिक भी रहेगी यहाँ से, क्योंकि हर एक मैच में लगभग विकेट निकाल रही है, पहली मैच के अंदर 2 विकेट निकाले और पिछली दोनों ही मैच में वो 2 और 3 यानी कि 4 मैचेस की बात करो, 4 मैचेस के अंदर 8 विकेट निकाले हुए, यानी कि एवरेज की बात करें तो हर एक मैच में 2 विकेट निकालेंगे, तो हमारे लिए सीधी पिक हो सकती है यहाँ से मौली मणिक मंडल। और थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहो तो इनको कैप्टनशिप या वाइस कैप्टनशिप भी ठोक दीजिए, आपको हर एक मैच में लगभग विकेट लेती हुई नजर आ सकती है। बात करें यहाँ से सोनाली मंडल की, तो एक ही मैच खेली जहाँ पर 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, जहाँ पर विकेट उनको नहीं मिला था, प्लस बैटिंग करते हुए 0 रन का स्कोर किया था,
बाकी यहाँ से सोमोना मंडल जो कि 3 मैच खेले, पहले मैच में उनको परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला, पिछली दोनों ही मैच की बात करें तो 7 रन की, इसके बाद 2 रन किए। बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड्स देखने के लिए जाए तो 22 मैच के अंदर 264 रन किए 19 की एवरेज से, राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेती है प्लस ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो एज ए प्लेयर मैं स्मॉल लीग में दोनों को ही प्रीफर नहीं करूँगा, सोनाली मंडल हो गई या फिर यहाँ से सुमाना मंडल, दोनों ही मंडल को हम लोग रिस्क अवॉइड करके जा सकते हैं। बात करें यहाँ से रसमणी दास की, तो पहली मैच के अंत खेली थी लास्ट मैच, जहाँ पर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की थी, जहाँ पर विकेट उनको नहीं मिला था। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स की बात करें तो यहाँ से डी गुज्जर और प्रियंका मधव सरकार आपको स्टार्टिंग ओवर्स में दिखेगी, और डेथ ओवर्स की बात करें तो प्रियंका मधव सरकार और यहाँ से एम मंडल आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ से प्रियंका मधव सरकार एक अच्छी पिक हो सकती है। बाकी बेंच की बात करें तो अनन्या हल्डर है, अच्छी पिक है, पहली मैच के अंदर 5 विकेट निकाली लेकिन इसके बाद दोनों ही मैच में उनको विकेट नहीं मिली और लास्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद जोया लश्कर की बात करें तो उनको भी सेम सिचुएशन है, 2 मैच खेले हुए, दोनों मैच में 2 ओवर्स करवाई, विकेट नहीं मिला हुआ है। बाकी यहाँ से स्वीटी दीवानसिंह की बात करें तो पहली मैच में परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला, दूसरी मैच खेले नहीं, तीसरी मैच एक बार फिर से बैटिंग करने का मौका मिला जहाँ पर 0 रन किए, इसके बाद उनको मौका नहीं मिला। बाकी मुस्कान सिन्हा को अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है, और जैसे ही उनको खेलने का मौका मिलेगा इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किए जाएंगे। बात करूँ यहाँ से टॉप पिक्स की, तो इस मैच में हमारे लिए टॉप पिक्स रहने वाली कौन सी, तो यहाँ से जे खातून, यहाँ से एम घोष, डी गुज्जर, प्रियंका मधव सरकार, यहां से एस इशाक और यहां से एम मंडल। तो ये जो प्लेयर्स यहां से मैंने टॉप पिक दिए हुए, तो इनमें से किसी को भी हम लोग यहां से अवॉइड करके नहीं जा सकते, क्योंकि कभी भी अपने दिन के हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए अभी मेरी फैंटेसी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहां से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सुमित विश्वास को ही हम लेंगे, नीलाद्री बासु को लेना चाहो तो भी ले सकते हो, दोनों ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेगी लेकिन सुमित विश्वास जो है ऊपर से बैटिंग करेगी, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ से बैटिंग सेक्शन की बात करें तो वी वनीता है, डी गुज्जर है और यहाँ से डी दास को हम लेके जाएंगे। बाकी इतनी कुछ खास पिक नहीं है, तो और इतना कोई भी खास अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया किसी प्लेयर ने, तो ज़्यादा कुछ लेने का चांसेस नहीं बनता। यहाँ से प्रियंका राणा, यहाँ से जे खातून, यहाँ से पी मधव सरकार और यहाँ से एम घोष को मैंने लिया हुआ है। बाकी किसी प्लेयर के ऊपर मुझे इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी एस अधिकारी लास्ट मैच के अंदर नीचे खेली थी, ओपनिंग करवा दी तो हम लोग उनको ले सकते थे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो एम मणिक मंडल, यहाँ से एस इशाक को पिक किया, नीचे से मैंने के सूत्रधार को लिया है। यहाँ से अगर हल्डर खेलेगी तो एक बार फिर से मैं इनको लेके जाने वाला हूँ, अच्छी पिक हो सकती है, लास्ट मैच वो नहीं खेली थी इसके लिए हमने उनको ड्रॉप किया हुआ है। बाकी यहाँ से कैप्टनशिप की बात करते हैं, यहाँ से डी गुज्जर को मैंने कैप्टनशिप दी हुई है, वाइस कैप्टनशिप मैंने जे खातून को दी है। ये जो कैप्टनशिप है थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, आप अगर सेफ जाना चाहो तो कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप रोटेट कर सकते हो, यानी कि कैप्टनशिप आप जे खातून को दे सकते हो, वाइस कैप्टनशिप आप डी गुज्जर को दे सकते हो, तो कुछ इस तरह से मेरी टीम रह सकती है। लेकिन ये याद रहे ये मेरी डेमो टीम है, और फाइनल टीम के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कर देना फैंटेसी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर देना @FDC27 और आपको सीधा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी मीटिंग करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।